हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे श्री नारायण ब्लॉग चैनल में। हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ एक और यूजफुल वीडियो लेकर के। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हम सबके लिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी के अपने वीडियो की तरफ। किचन में हम साफ सफाई बहुत अपनी जी जान लगा करके करते हैं, क्योंकि खाना पीना हमारा किचन से ही बनता है और हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है। लेकिन कई घरों में क्या होता है, मॉडर्न किचन नहीं होते हैं, किचन ट्रॉली नहीं बनी होती है। खासकर हम जहाँ किराए के घर में रहते हैं वहाँ पर हमें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामान हमारे पास ढेरों हो जाते हैं और ऐसे ऐसे हम सामने नीचे रखते हैं तो ऐसे देखने में ये बहुत गंदा लगता है। वैसे तो हमने साफ़ सुथरा एकदम अच्छे से लगा रखा है, लेकिन ऐसे ये सामने से देखो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक जुगाड़ आपको मैं बताऊंगी। आप इसमें अगर पर्दा लगाना चाहेंगी तो बिना कील, बिना होल्डर, बिना होल किए हुए एक छोटी सी चीज़ से आप इसमें पर्दा लगा सकती हैं। तो चलिए मैं वही ट्रिक आपको मैं बताऊंगी और उस ट्रिक से आप भी अपने किचन को साफ सुथरा रख सकते हैं, ताकि देखने में किचन और भी सुंदर लगे और हमें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए बताते हैं हम। सबसे पहले तो हमें चाहिए या तो कोई पुरानी बेडशीट हो, या आप साड़ी भी यूज कर सकते हैं, दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये थी एक डबल बेडशीट, तो उसी से मैंने ये इसके पर्दे तैयार किए हैं। तैयार क्या करना है, पहले जितना भी आपका स्लेप है, आपका किचन है, उस हिसाब से आप पहले इस तरह से लंबाई चौड़ाई नाप लीजिएगा कि कितना चौड़ा ऊपर से लेके नीचे तक, और फिर आप लंबाई नाप सकते हैं। तो उसी तरह से नाप नाप के इसको मैंने कर लिया है तैयार। और एक साइड से हमें सिलाई मशीन लगानी पड़ेगी। अगर साड़ी का बना रहे हो तो उसमें नहीं लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ किनारी रहती है दुपट्टे में भी। अगर बेडशीट से बना रहे हो तो एक साइड से तो हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। इस तरह से थोड़ा सा कपड़ा लेकर के हमको सिलाई करनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए एक स्केल जो बच्चों के पास मिल जाती है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इस तरह की कांटे वाली चम्मच ले सकते हैं। और हमें चाहिए एक सूखा कपड़ा। सबसे पहले हम जहाँ पर हमें पर्दा लगाना है उस जगह को हम कर लेंगे साफ, अच्छे से धूल मिट्टी न हो। ये वो चीज है जिससे हम अपना पर्दा लगाएंगे बिना होल के, बिना होल्डर के, बिना कील के। और ये चीज है वेलक्रो टेप। ये बड़ी आसानी से ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगी, तो आप वहां जाकर भी ले सकते हैं। तो इस तरह की ये दो रोल आएंगे टेप के, ये चिपकने वाली है कपड़े पे भी और दीवार पे भी। तो चलिए हम इसको आपको लगा करके भी दिखाते हैं। मैं एक बात और बता दूं, मैं इसका कोई भी स्पॉन्सर या पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये मैंने अपने यूज के लिए मंगाया था, तो सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूं, तो इसलिए मैं इसको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूं। तो आप इसको आप ले सकते हैं जहां आपको मिल सके, अगर नहीं मिल पाए तो लिंक आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना है कि एक तो ये खुरदरा वाला टिक्की आती है बटन टाइप में, और एक ये प्लेन वाली होती है। जो ये प्लेन वाली होती है ये हमें दीवार पे लगानी होती है, और जो ये थोड़ा सा खुरदरापन वाला है ये हमें कपड़े पर लगाना है। तो चलिए अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए एक स्केल जो बच्चों के पास मिल जाती है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप इस तरह की कांटे वाली चम्मच ले सकते हैं। और हमें चाहिए एक सूखा कपड़ा। सबसे पहले हम जहाँ पर हमें पर्दा लगाना है उस जगह को हम कर लेंगे साफ, अच्छे से धूल मिट्टी न हो। हम इस तरह से इसमें नाप करके लगाएंगे। अब एक यहाँ लगा देंगे सबसे पहले, इसको इस तरह से इस टेप से उतारेंगे, और जहाँ हमको लगाना है वहाँ हम इसको सेट कर देंगे। ये देखिए, अब फिर इससे इस तरह से नाप लेंगे, क्योंकि ज़्यादा दूरी पे हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि ये पर्दे में होल्स वगैरह या वो तो है नहीं, पाइप वगैरह की हम इसको इकट्ठा कर ले, ये हमें टाइटली लगाना होता है। तो इस तरह से हमको नाप नाप करके ये लगाना होगा। अब एक यहाँ लगा देंगे। एक एक टिक्की हमने ये चिपका दी है। अब जो दूसरी वाली है
अब इसको हम एक एक उतारते जाएंगे इस तरह से, और कपड़े को देखना है इसके इस तरह से, तो यहाँ आएगी तो हम इस पे कपड़े पे इसको इस तरह से चिपका देंगे, और इसको हम इसमें इस तरह से कर देंगे सेट। अब दूसरी वाली भी हम इस तरह से दूसरी लेंगे, एक हमने चिपका दी है, अब दूसरी टिक्की के ऊपर हम दूसरी वाली उतारेंगे, और अब इसको देख लेंगे कि यहाँ कहाँ ये सेट हो रही है, और इसी तरह इसको हम चिपका देंगे। ये देखिए कपड़े पे बड़ी आसानी से चिपक जाती है, और ये बहुत मजबूती वाला काम करती है, जल्दी से खराब भी नहीं होती है, और इसी तरह से हम इसको पूरे पे चिपकाते हुए चले जाएंगे इस तरह से। तो मैं आपको इसको चिपका करके दिखा रही हूँ। आप देखिए किचन का लुक कितना सुंदर लग रहा है, कोई भी सामान नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, और हम इसमें कितना भी सामान और रख सकते हैं। यहाँ पे सिंक एरिया था तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन कर दिया है ताकि साफ सफाई में दिक्कत ना हो, और ये इतनी आसानी से चिपक जाता है। बस इसको धुलते टाइम हमें इसको ध्यान रखना है कि मशीन में नहीं धुलना है और हाथ से धुलेंगे, ये इस तरह से छूट भी जाएगा और अच्छे से इसको हम धुल भी सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है, हम मोटा पर्दा यहाँ पर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि किचन में खाना वाना बनाते हैं तेल वेल ज़्यादा चिकनाई हो जाती है, तो पर्दे साफ़ नहीं होंगे, और इसको गर्म पानी में आप धुल सकते हैं। देखा आपने, बिना मेहनत किए हुए, बिना होल्स और बिना होल्डर के या कील के हमने पर्दे लगा लिए हैं, और ये इसमें 100 से भी ज़्यादा आते हैं, और ये 200 से 250 रुपए तक आपको मिल जाएगा, और इतने से खर्चे में आपका किचन सुंदर दिखेगा, और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी लगाने में भी, और इसको आप अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं, ये बेकार भी नहीं होगी। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा करके इसको ले सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप पहले वाला किचन ज़्यादा अच्छा लग रहा था, या आप पर्दे लगने के बाद किचन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मेरे किचन का पूरा लुक अब कितना सुंदर लग रहा है, थोड़े से खर्चे में हमने अपने किचन को कितना सुंदर बना लिया है, और देखने में भी ये बहुत सुंदर लग रहा है, और बिना पैसे खर्च किए हुए हमने अपने किचन को, किराए के घरों में रहते हैं तो हमें वहाँ इतनी सुविधा नहीं मिल पाती है, तो हम अपने हिसाब से इस तरह से पर्दे लगा करके अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आपको ये आइडिया और ये किचन का नया लुक कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, और मिलूँगी आपको एक और नई यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।